हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज मैं देखिए आपको डबल कलर का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। ये क्रॉस स्टिच है, देखिए। इसको मैं पहले अपनी वीडियो में सिंगल कलर में बता चुकी हूँ। मेरे पास ये फरमाइश आई थी कि मैं इसे डबल कलर में भी बताऊँ। ये मैंने आज डबल कलर में बनाया है। इसको हम सबसे पहले हम बॉर्डर बनाएंगे और उसके बाद हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। देखिए, ये फर्स्ट सिलाई से ही शुरू करेंगे हम। ये हमने सबसे शुरू किए, ये 6 फंदे ऐसे ही बिना बुने ले लेने हैं। उसके बाद हम इस डिज़ाइन को उल्टी सिलाई से शुरू करेंगे। ये वाला धागा लेना है और इसको सिलाई के ऊपर डबल फंदा लेना है और ये उतार देंगे ऐसे। फिर ये दूसरा फंदा लेंगे, 2 फंदे हो गए, 3, 4, 5, 6, ये 6 फंदे हो गए। इसके बाद हम 2 फंदे बिना बुने उतार लेंगे और फिर से 6 फंदे इसी तरह से सिलाई के ऊपर डबल फंदा लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद फिर से 2 फंदे बिना बुने ले लेंगे और फिर 6 फंदे इसी तरह से बुनेंगे सिलाई पर डबल धागा लेके। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये बाकी फंदे हम ऐसे ही बिना बुने ले लेंगे। देखिए, अब हम सीधी सिलाई शुरू करेंगे। ये फंदे जो बिना बुने लिए थे वो बिना बुने ही लेंगे इस बार भी, और ये फंदे अब हम खोलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 फंदे खुल गए। अब हम ये 6 के 6 फंदे इस सिलाई पर ले लेंगे। ये देखिए, अब हम ये शुरू के 3 फंदे छोड़ेंगे और चौथा फंदा लेंगे, बुनेंगे। ये देखिए, ये चौथा फंदा बुनने के बाद इन 3 फंदों के ऊपर से उतार देंगे। उसके बाद फिर हम ये 5वां फंदा बुनेंगे और इसके ऊपर ये 3 फंदों के ऊपर से इसे भी उतार देंगे। फिर हम ये 6ठा फंदा बुनेंगे और इसको भी इन 3 फंदों के ऊपर से उतार देंगे। इसके बाद हम ये 3 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3। ये 2 फंदे बिना बुने ले लेंगे और ये 6 फंदे फिर से ऐसे खोल लेंगे इनको। उसके बाद इस सिलाई में ले लेंगे ये 6 फंदे और फिर से यही डिज़ाइन रिपीट करेंगे। ये फंदा 4थे नंबर का फंदा लेंगे, इसको बुनेंगे और इनके ऊपर से उतार देंगे 3 फंदों के ऊपर से। ये बुनेंगे और इनके ऊपर से उतार देंगे। ये इसको क्रॉस करना है। ये देखिए,
ये इसके ऊपर से उतार देंगे। ये दो फंदे बिना बुने ले लेंगे और ये छह फंदे फिर से खोलेंगे और इस सिलाई पर ले लेंगे और चौथे नंबर का फंदा बुनेंगे। ये इसके ऊपर से उतार देंगे, फिर ये पांचवा फंदा बुनेंगे वो भी इसके ऊपर से उतारेंगे, छठा फंदा बुनेंगे ये भी इसके ऊपर से उतारेंगे और ये तीन फंदे बुन देंगे। उसके बाद ये फंदे बिना बुने ले लेंगे। ये देखिए डिजाइन बन गया। अब हम ये वाले कलर से बुनाई करेंगे। ये सिलाई हमें पूरी सादी बनानी है। ये देखिए एक सिलाई हो गई। अब हम दूसरी सिलाई, ये सीधी साइड है लेकिन ये दूसरी सिलाई हम आगे की तरफ उल्टी बुनेंगे। ये देखिए ये डिजाइन पूरा हो गया। अब हम ये डिजाइन दोबारा रिपीट करेंगे। अब हमें ध्यान ये रखना है, अब की बार जो डिजाइन बनेगा वो इन वाले छह फंदों पर बनेगा जो यहाँ के हैं ये, और ये दो प्लेन बनेंगे और बाकी इन छह फंदों पर बनेगा और ये दो खाली लिए जाएंगे। दो फंदे बिना बुने लेंगे और इस फंदों पर डिजाइन बनेगा। ये देखिए सिलाई के ऊपर दो बार बल देंगे और छह फंदे बुनेंगे, चार पांच। ये दो फंदे हम बिना बुने लेंगे और ये छह फंदे फिर से इसी तरह से धागा लपेट के लेंगे, एक दो तीन चार पांच छह। इसके बाद फिर से दो फंदे बिना बुने लेंगे और फिर ये छह फंदे। तीन चार पांच छह, दो फंदे ये बिना बुने लेंगे, एक दो तीन चार पांच छह। ये देखिए अब हम फिर से वैसे ही करेंगे, ये फिर फंदा बिना बुना ले लेंगे और ये छह फंदे खोलेंगे, इस सिलाई पर लेंगे और ये चौथे नंबर का फंदा बुनेंगे। इसके ऊपर से उतार देंगे, फिर ये वाला फंदा बुनेंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे ये बुनेंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे और ये तीन फंदे बुन लेंगे। दो फंदे बिना बुने लेंगे, छह फंदे खोलेंगे
सिलाई पर लेंगे और चौथे नंबर का फंदा बुनेंगे। ये इसे क्रॉस कर देंगे, फिर ये फंदा बुनेंगे। ये देखिए, ये तीन फंदे बुन दिए। ये बिना बुने लेंगे दो फंदे। सिलाई पर ले लेंगे, चौथे नंबर का फंदा लेंगे, ये बुनेंगे और इसके ऊपर से निकाल देंगे। ये लेंगे, इसके ऊपर से निकाल देंगे। फिर ये तीन फंदे बना लेंगे। दो फंदे बिना बुने ले लेंगे। ये देखिए, ये वाला फंदा लेंगे, ये बिना बुने ले लेंगे। ये देखिए, ये अभी उसके बाद फिर से यही दो सिलाई इस कलर की करेंगे, उल्टी और इधर सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी, और इसी डिज़ाइन को रिपीट करते जाएंगे। ये देखिए, अगर आपको मेरे डिज़ाइन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।